अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 पाक स्टडीज के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ। और ये तमाम एमसीक्यूज पीपीएससी एफपीएससी एनटीएस और दीगर पास पेपर से लिए गए हैं, तो वीडियो को गौर से देखें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक बर्वक पहुँचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है Who was the first president of the Constitution Assembly of Pakistan? पाकिस्तान की जो पहली आईनी असेंबली के सदर कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है When the Constitution Assembly passed the Objective Resolution? Constitution Assembly ने Objective Resolution कब पास किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मार्च 1949 को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है Who was Muhammad Ali Bogra? मोहम्मद अली बोगरा कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आयन में सदर की उम्र होना लाजमी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है 40 साल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन जुल्फिकार अली भुट्टो लॉन्च अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री? जुल्फिकार अली भुट्टो ने नया आयन पाकिस्तान में यह मुल्क में कब नाफिज किया, जिसका करेक्ट आंसर है 14 अगस्त 1973 को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? 1973 के आयन के मुताबिक सदर का जो टेन्योर है वो कितने साल का है, जिसका करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? फातिमा जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो उसका करेक्ट आंसर है 1939 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय? पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है ये किन्होंने प्रिपेयर्ड किया है, तो उसका करेक्ट आंसर है अमीरुद्दीन कदवाई ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में नमक की जो कान है सबसे बड़ी वो कहाँ पर मौजूद है, इसका करेक्ट आंसर है जेलम में और उसका नाम है खेवरा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज? पाकिस्तान में सबसे जो लंबा दरिया कौन सा है, जिसका करेक्ट आंसर है दरिया सिंध रिवर सिंध। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, जिसका करेक्ट आंसर है जैस्मीन यानी के चंबेली। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के कौमी परिंदे का क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है चकोर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बुक खुतबाए अहमदिया इज रिटन बाय? खुतबात ते अहमदिया जो है इसके मुसन्निफ का क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड फॉर हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन? अल्लामा इकबाल ने जो अलाहाबाद का खुतबा दिया था कब दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1930 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड? इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो किस शहर में वजूद में आई, तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है सर आगा खान। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान? कौन सा पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है खैबर पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस? सूबा सिंध में कौन सा पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जिसका करेक्ट आंसर है खिरखाम रेंज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन? जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नाम डॉन है इसके फाउंडर बानी का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है कायदे आजम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पाकिस्तान स्टील मिल इज लोकेटेड इन? पाकिस्तान की स्टील मिल कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है कराची में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली आर? पंजाब असेंबली के मेंबर की तादाद कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 371। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ पश्तो लैंग्वेज? पश्तो लैंग्वेज की पहली किताब का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है पट्टा खजाना।
नेक्स्ट एमसीक्यू है मदर मिलत फातिमा जिना डाइड इन द ईयर। फातिमा जिना की वफात कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है 1967 में हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेयर इज वर्सक डैम ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड। वर्सक डैम पाकिस्तान में कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है केपीके में। नेक्स्ट एमसीक्यू है द कारगिल इंसिडेंट हैपेंड इन, जो कारगिल का वाकया हुआ था ये कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1999 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन वाज लियाकत नैरो पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन, जो लियाकत नैरो पैक्ट था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब साइन हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर है 1950 में। नेक्स्ट मीरपुर इज अ फेमस सिटी ऑफ, मीरपुर जो है वो किसका सबसे मशहूर शहर है, तो इसका करेक्ट आंसर है आज़ाद कश्मीर का। नेक्स्ट एमसीक्यू है डिफेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन, डिफेंस डे कब मनाया जाता है हर साल, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 सितंबर को। नेक्स्ट एमसीक्यू है द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज, पाकिस्तान ने पहला जो एयरक्राफ्ट खुद तैयार किया है चाइना की मदद से, तो उसका करेक्ट आंसर है JF-17 थंडर। नेक्स्ट एमसीक्यू है द कैपिटल ऑफ केपीके इज, खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत का क्या नाम है, जो सूबाई हुकूमत का एक दारुल हुकूमत होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है पेशावर। नेक्स्ट एमसीक्यू है मस्जिद मोहब्बत खान इज लोकेटेड इन, मस्जिद मोहब्बत खान कहाँ पे मौजूद है, तो उसका करेक्ट आंसर है पेशावर में। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिंधी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन, सिंधी लैंग्वेज जो है वो किस पे बेस करती है, तो उसका करेक्ट आंसर है अरेबिक पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड, नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है कराची में। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्लिफ्टन बीच इज लोकेटेड इन, क्लिफ्टन बीच कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है कराची में। नेक्स्ट एमसीक्यू है शाहजहां मॉस्क इज लोकेटेड इन, शाहजहां मॉस्क जो है ये ठट्टा में मौजूद है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मंचर लेक इज सिचुएटेड इन, मंचर लेक कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है जाम शोरों में। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मेनी ब्रिजेस आर देयर इन सिंध, सिंध में टोटल ब्रिजों की तादाद कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट एमसीक्यू है द श्रीन ऑफ लाल शहबाज कलंदर इज सिचुएटेड इन, जो लाल शहबाज कलंदर का मकबरा कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है 7 शरीफ में। नेक्स्ट एमसीक्यू है द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इन द सब कॉन्टिनेंट इज, सब कॉन्टिनेंट में जो फ्रेश वाटर की झील है सबसे बड़ी, उसका क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है मंचर लेक। नेक्स्ट एमसीक्यू है द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज, सबसे गर्म तरीन जो प्लेस है पाकिस्तान में उसका क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है जैकबाबाद। नेक्स्ट एमसीक्यू है लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर का क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है कराची। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच सिटी इज ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड पंजाब प्रोविंस, सुबह सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे कौन सा शहर मौजूद है, जिसका करेक्ट आंसर है कश्मीर। नेक्स्ट एमसीक्यू है फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के जो पहले कैपिटल था उसका क्या नाम है, जिसका करेक्ट आंसर है कराची था। नेक्स्ट एमसीक्यू है पाकिस्तान डे इज ऑब्जर्व ऑन, पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है हर साल, जिसका करेक्ट आंसर है 23 मार्च को। नेक्स्ट एमसीक्यू है K2 इज ऑल्सो नोन एज, K2 का एक और नाम से पुकारा जाता है, तो वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट एमसीक्यू है द लेंथ ऑफ सचिन ग्लेशियर इज, जो सचिन ग्लेशियर की लेंथ कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 76 किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है बल्तोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, बल्तोरो ग्लेशियर्स जो है वो कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है गिलगित में। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर, दरिया सिंध की टोटल लंबाई कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3180 किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन डिड कायदे आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1913 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है माई ब्रदर बुक वॉज रिटन बाय, माई ब्रदर जो है ये किताब किसने लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फातिमा जिना ने।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी दरख्त का क्या नाम है, उसका करेक्ट आंसर है देवदार। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी जानवर का क्या नाम है, उसका करेक्ट आंसर है मारखोर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु बिल्ड द लाहौर, लाहौर को किसने बनाया था, करेक्ट आंसर है अकबर बादशाह ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डज द वर्ड पाकिस्तान मीन, पाकिस्तान लफ्ज का क्या मतलब है, तो उसका करेक्ट आंसर है होली लैंड यानी कि मुकद्दस जमीन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिवन द टाइटल ऑफ कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का लकब कब मिला, तो उसका करेक्ट आंसर है 1938 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का क्या नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है थार। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की सबसे कदीम जबान कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिंधी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बलूचिस्तान बिकम प्रोविंस इन, बलूचिस्तान जो है सूबे कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु वाज द हीरो ऑफ 1857 वार, 1857 की जंग आज़ादी में सबसे हीरो कौन था, तो बख्त खान उनका नाम था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम क्या नाम है उसका, तो इसका करेक्ट आंसर है तरबेला डैम। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लैलपुर इज द ओल्ड नेम ऑफ, लैलपुर का जो किस शहर का पुराना नाम है, तो उसका करेक्ट आंसर है फैसलाबाद का। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द सिटी ऑफ लाइट्स, रोशनियों का शहर किसको कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर है कराची को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दासू डैम इज इन, दासू डैम कहाँ पे मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है केपीके में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 10 रुपीज पाकिस्तानी नोट, जो 10 रुपए का पाकिस्तानी नोट है, इसकी बैक साइड पे जो पिक्चर है वो किसकी है, तो इसका करेक्ट आंसर है खैबर पास की। नेक्स्ट एमसीक्यू है, जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, जियोग्राफिकली पाकिस्तान कहाँ पे मौजूद है, उसका करेक्ट आंसर है साउथ एशिया में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वाखान कॉरिडोर सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम, जो वाखान कॉरिडोर है पाकिस्तान को किस मुल्क से अलग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ताजिकिस्तान से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर वॉज फाउंडेड इन, इस्लामिया कॉलेज पेशावर जो है ये कब वजूद में आया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1913 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ओल्ड नेम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वॉज, खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या था, जिसका करेक्ट आंसर है NWFP। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बेनजीर भुट्टो सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डैश टाइम, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर कितनी मरतबा रही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मरतबा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वेयर डिड बेनजीर भुट्टो डाइड, बेनजीर भुट्टो की शहादत कहाँ पे हुई, जिसका करेक्ट आंसर है रावलपिंडी में, लियाकत बाग में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की कौमी जानवर का क्या नाम है, जिसका करेक्ट आंसर है मारखोर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान हैव वॉन, पाकिस्तान ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता, तो इसका करेक्ट आंसर है 1992 को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर्मर प्रेजिडेंट सिकंदर मिर्जा वॉज बर्ड इन, जो एक्स प्रेसिडेंट थे इस्कंदर मिर्जा कहाँ पे मदफून है, तो उसका करेक्ट आंसर है ईरान में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन बाय, पाकिस्तान का जो पहला कॉइन था वो किन्होंने डिजाइन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेडली ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वॉज फाउंडेड ऑन, पाकिस्तान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ कब वजूद में आई, तो इसका करेक्ट आंसर है 25 अप्रैल 1996 को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के किस शहर को स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सवात को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु वाज द हेडमास्टर ऑफ MAO स्कूल, उसका करेक्ट आंसर है हेनरी मेडन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन UN, यूनाइटेड नेशन में किस मुल्क ने पाकिस्तान की रुकनीत के खिलाफ वोट दिया था, उसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मिजार कैद वॉज कम्प्लीटेड इन, जो मिजार कैद है ये कब कम्प्लीट हुआ, तो उसका करेक्ट आंसर है 1970 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फर्स्ट पासपोर्ट इशू बाय द अयूब अरेंजमेंट इन,
पहला पासपोर्ट अयूब खान के दौर में कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1970 में। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है आइकॉन टावर। नेक्स्ट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1956 के एंड के बाद पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्कंदर मिर्जा। नेक्स्ट है, द रिवर इंडस फ्लोज फ्रॉम विच सिटी, जो दरिया सिंध है ये किस शहर से स्टार्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है तिब्बत के मकाम से। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड, तो स्पोर्ट जो खेलों का सामान के लिहाज से पाकिस्तान का कौन सा शहर मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सियालकोट। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान वंस नोन एज सिटी ऑफ मेपल लीव्स, पाकिस्तान के किस शहर को सिटी ऑफ मेपल ट्रीज कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एबटाबाद को। नेक्स्ट है, विच वन इज द लार्जेस्ट बराज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़े बराज का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है सखर बराज। नेक्स्ट है, द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया इज, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चागी। नेक्स्ट है, नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की जो कौमी मछली का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है मशीर। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है मियां अब्दुल रशीद। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द गैस डिस्कवर्ड फ्रॉम सुई, सुई के मकाम से गैस कब डिस्कवर हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1952 में। नेक्स्ट स्कूल है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर वाज एस्टेब्लिश इन, पंजाब यूनिवर्सिटी कब तामीर हुई या स्टार्ट हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1882 में। नेक्स्ट स्कूल है, विच सिटी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का दिल किस शहर को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर को। नेक्स्ट स्कूल है, हु बिल्ड पाशाही मस्जिद, पाशाही मस्जिद किन्होंने बनाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब ने। नेक्स्ट स्कूल है, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ सवाद इंक्लूड इन पाकिस्तान, सवाद जो है पाकिस्तान में कब मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है 1969 में। नेक्स्ट स्कूल है, मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइन बाय, मीनार पाकिस्तान का डिजाइन किन्होंने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है नसीरुद्दीन मुराद खान। नेक्स्ट स्कूल है, पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड इन द रीजन ऑफ, जो पीटीवी है ये कब स्टार्ट हुआ, किसके दौर में? तो इसका करेक्ट आंसर है अयूब खान के। नेक्स्ट स्कूल है, फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन, जो पहला मार्शल लॉ था किन्होंने लगाया था पाकिस्तान में? तो इसका करेक्ट आंसर है इस्कंदर मिर्जा ने। नेक्स्ट स्कूल है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम सी पोर्ट, बिन कासिम का जो सी पोर्ट है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है पेपरी। नेक्स्ट स्कूल है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोराकरम में। नेक्स्ट स्कूल है, खैबर पास इज लोकेटेड इन, खैबर पास जो है ये कहाँ पे मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदू काश में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए या कोई भी पास पेपर तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।